Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। और आज के वीडियो का टॉपिक है नेक्सॉन के एक्सेसरीज। यस, मैंने अपने गाड़ी पे करीबन 80,000 से 1,00,000 तक का एक्सेसरीज फिट करवा लिया है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा एक्सेसरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा शो ऑफ के लिए रहेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहला जो एक्सेसरी मैंने फ़िट किया हुआ है ये है अमेज़न बेसिक्स का ग्लास ब्रेकर। तो काफ़ी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये आपको ज़रूरत तब आएगी जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे हैं एंड आपको ये डोर का, ये विंडो का, इसे क्या कहेंगे, विंडो या डोर, ओके जो भी है, ये ग्लास अगर आपको ब्रेक करना हो तो तब ये डिवाइस, ये हैंडी डिवाइस आपको काम में आएगा। इसके थ्रू आप ग्लास ब्रेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक इसमें नाइफ है जिससे आप अपना सीट बेल्ट काट सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा मैंने लगाया हुआ है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपको कंटिन्यूसली बताते रहेगा रियल टाइम में कि आपके गाड़ी में कितना प्रेशर है चारों टायर में और उनका टेम्परेचर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे चारों टायर में 31, 31, 30, 30 करके प्रेशर है और इसके जो टेम्परेचर ऑफ द टायर से वो देखिए ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं 23, 20, 23, 20। और ये सोलर से चलता है, यहाँ पे इसका सोलर पैनल है, डायरेक्ट सन रेज गिरते हैं एंड उसी से ये रिचार्ज होता है। ये एक एक्सटर्नल TPMS है, इसके सेंसर्स चारों टायर में एक्सटर्नली फिटेड है। देखिए ये है फ्रंट का सेंसर, ये है फ्रंट लेफ्ट, रियर लेफ्ट और ये रियर राइट। कंप्लीटली वाटरप्रूफ सेंसर्स हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पानी वानी का एरिया में जाएंगे तो ख़राब ना हो जाए। फिर नेक्स्ट गॉड आइडल विच इज़ मस्ट इन इंडियन कार्स एंड दीज आर माई टू लवली पप्स। सो वेरी क्यूट, काइंड ऑफ एंटरटेनिंग ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीस। और ये तो 70 mi का A500S डैश कैम है, ये काफ़ी यूजफुल है। ये फ्रंट में एक है और रियर में एक है। फोकस हो जा, फोकस, यस, रियर में एक है। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखा दूंगा। ये पोट्रोनिक्स का मोबाइल होल्डर, कूल है ना। तो ये है डिजिटल टायर प्रेशर गॉज मीटर, तो लाइट भी जलती है अंधेरे में आपको हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे आपको PSI में और बार में आपको प्रेशर दिख जाएगी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी है, लाइट वेट है और काफ़ी हैंडी भी है। तो ये एक आपकी गाड़ी में मस्ट होना चाहिए। ये नेक के लिए कुशन है, ये कुशन कुछ काम का नहीं है,
और ड्राइविंग के लिए यस, ड्राइवर के लिए चाहे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा तो मैंने और एक पीस भी खरीद लिया था। एंड मुझे फिर पैसेंजर्स और बाकी लोगों से ये फीडबैक मिला कि वो इट्स नॉट कंफर्टेबल। एनीवेज नेक्सॉन का जो सीट्स है इट्स नोन फॉर इट्स कंफर्ट लेवल, लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज़ के लिए वो काफ़ी अच्छा है। बट फिर भी क्योंकि हम ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलाना पड़ता है तो मैं हमेशा ऐसे चलाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक गैप क्रिएट होता है जिसके वजह से लॉन्ग ड्राइव्स जब रहता है तो मेरा ये नेक पेन करने लगता है, जबकि पैसेंजर्स रिलैक्स होकर रहते हैं तो दे डोंट वांट दिस सपोर्ट। उनको डायरेक्टली रिलैक्स होकर रहते हैं तो उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट ड्राइवर्स को हाँ ये बैक ड्यू टू दिस गैप नेक पेन होता है तो उसके लिए ये सपोर्ट चाहिए। स्टीयरिंग कवर भी मैंने एक लगवाया था, तो ये बेसिक सा स्टीयरिंग कवर है, ये कुछ 1300-1500 रुपए का आया था, शोरूम से ही मैंने लगवा लिया था। स्टीयरिंग कवर की जब बात आती है तो दो वैरायटी के स्टीयरिंग कवर आते हैं, एक तो ये ऊपर से लगता है जो हैंड स्टिचर्ड रहता है, हैंड स्टिच्ड रहता है, एंड दूसरा आता है पूरा मशीन प्रेस वाला जो कि अराउंड 4000-5000 के रेंज में रहता है, जो कम्प्लीटली जैसे कंपनी से आता है राइट वैसे ही पूरा स्टिच होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेदर एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी उसका प्राइस 3000-5000 के बीच में वेरी करता है, और उसके लिए आपको 3-4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा तब। एंड फॉर दैट रीज़न दे विल रिमूव ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टीयरिंग, सारे जितने भी बटन वगैरह हैं वो सब वो निकाल देंगे, निकाल के उसको फिर से अंदर से इसको स्टिच करके फिर उसके ऊपर बटन फिक्स करेंगे। उससे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है मेरा हॉर्न के ऊपर है, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्सॉन का जो हॉर्न है वो हार्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके नीचे अगर आप फिर से एक ये लेदर का पीस घुसा के उसके ऊपर अगर बटन लगाते हैं तो इन सम केसेस कंप्लेंट्स आता है कि ये बटन प्रेस नहीं होता, तो हॉर्न बदबाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तो उस चक्कर में वो डिसएडवांटेज आ जाता है मशीन प्रेस में। तो मैं क्योंकि ये नई गाड़ी थी एंड आई डोंट वांट टू मेस अराउंड विथ वॉट एवर हैज़ कम फ्रॉम द फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री से आया है उसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता था, मुझे चाहिए नहीं था कि इसके पुर्जे निकाल दें और सिर्फ एक स्टीयरिंग कवर के लिए। एंड मोर ओवर ये जो कवर उन्होंने भी जो लगा के दिया है ये पूरा अच्छा खासा फिट एंड फिनिश के साथ ही है, कहीं से भी कुछ लूज नहीं है, कहीं से कुछ भी चीप नहीं लग रहा, तो मेरे लिए काफ़ी था तो आई वेंट विद दिस। अगर आपको चाहिए तो आप वो 3000-5000 वाला भी लगा सकते हैं। दूसरा है मैंने सीट कवर्स भी कुछ लगाए नहीं है, मैंने तो पन्नी भी नहीं उतारा, वो इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं एंड गंदा कर देंगे सीट इसीलिए, और ये फैब्रिक का सीट आता है, देखिए ये फैब्रिक का मटेरियल आता है जो कंपनी से आता है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, जो भी टाटा ने प्रोवाइड किया है ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसके वजह से आपको लॉन्ग जर्नीस ये सब में कोई तकलीफ होती नहीं है। ओके, अगर इसके ऊपर आप वो लेदर का या सिंथेटिक लेदर का सीट कवर चढ़ाते हैं तो उस केस में स्वेट वेट होगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल टू ड्राइव, सो आई वेंट विद द सेम फैब्रिक वाला कवर, और ये जब तक ख़राब होगा 3-4 साल बाद जब ये ख़राब हो जाएगा तब इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे, नए के ऊपर कवर चढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं लगा। 7D मैट्स वगैरह भी मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि जो भी कंपनी के साथ आया था मैंने उसी के साथ लिया, क्योंकि 7D मैट्स वो सब सिर्फ एक हाइप है, उसका कुछ बेसिक बेनिफिट नहीं है, इन द एंड आपको वही वैक्यूम करना पड़ता है, इन द एंड वो भी गंदगी होता है, इन द एंड उसे भी साफ़ करना पड़ता है, तो उसमें 70 मैट्स लगा के कुछ इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। सो जब वो मैट्स ख़राब होंगे, स्टैंडर्ड मैट्स जब ख़राब होंगे तब देखा जाएगा करके मैंने उसको बाद के लिए रख दिया है, तो वो है बात। ये एक रियर क्रोम गार्निश लगाया है, काफ़ी स्टाइलिश दिखता है और प्रीमियम लुक देता है, सो ये आपके नेक्सॉन के लुक को काफ़ी बढ़ा देता है, तो ये भी एक आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक रियर फॉग लाइट भी लगाया है, क्योंकि नेक्सॉन का टॉप मॉडल हो या बेस मॉडल हो किसी में भी आपको ये सेक्शन पे लाइट मिलता नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन का
ऊपर एक लाइट दिया गया है, तो उस वजह से कंपनी आपको टॉप मॉडल में भी ये फॉग लाइट देता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक खांचा दे देता है ग्रे प्लास्टिक का, जिसे आप निकाल के ये लाइट लगा सकते हैं। इसका इन सभी एक्सेसरीज और पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, तो आपको अगर ख़रीदना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन से और लिंक से ऑर्डर कीजिए और घर बैठे बैठे इन्हें आराम से फिट कीजिए। डेली डे टू डे क्लीनिंग के लिए मैंने एक जोपासू का डस्टर भी लिया हुआ है। दिस इज ए मस्ट बाई इफ़ यू लव कीपिंग योर कार क्लीन। आई पॉप विच इज़ मस्ट। ये आपको डोर कहीं पे बैंग ना हो जाए, दरवाज़ा निकालते वक्त बंद करते वक्त कहीं पे साइड में कॉर्नर्स में ना लग जाए, तो उस वजह से ये लगाते हैं आई पॉप। पता नहीं कितना बेनिफिशियल है बट सब लगाते हैं तो मैंने भी लगा लिया। ये क्रोम फिटिंग्स कंपनी से ही मैंने लगाया है क्योंकि कंपनी का फिनिश मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्लस डिस्काउंटेड रेट्स पर मुझे मिल रहा था निगोशिएशन के वक्त, तो मैंने उठा लिया। ये तो साइड स्टेप, ये भी क्रोम फिटिंग्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप क्रोम कुछ भी लगा रहे हैं नेक्सॉन में तो बेटर रहेगा कि आप कंपनी से ही लगाइए, शोरूम से ही लगाइए, चाहे 100-200 रुपए ज़्यादा दो लेकिन आप वो लगा लीजिए, अच्छी फिनिश रहती है, अच्छी क्वालिटी रहती है। और हाँ, ये भी कंपनी से लगाया हूँ विंडो वाइज़र, तो ये क्रोम पैनल के साथ आती है। ये लगाने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छी है, शोरूम से जो मिलती है जो टाटा ब्रांडिंग की आती है ये, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड दूसरे जो थर्ड पार्टी जो बाहर से आप लगाते हैं वो धूप में अगर गाड़ी रहती है तो वो क्रैक हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है अभी तक, तो 2 महीने में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है। ये स्कफ प्लेट्स मेटल के हैं, ये चारों डोर पे लगा हुआ है। पीछे तरफ ऐसे वाला आता है, ये रियर डैश कैम, ये रियर डैश कैम है, पीछे से अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो ये वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो है बात। कुछ ऐसा दिखता है, तो मेरा टूल बॉक्स जिसमें सारे टूल बॉक्स है, फायर एक्सटिंग्विशर मैंने रखा है 2 जस्ट इन केस के लिए, और मैंने एक बूट मैट भी डाला है, ये काफ़ी अच्छा रहता है, स्क्रैच वैच से बचा लेता है अगर आपका ट्रॉली वगैरह कुछ रखते हो। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये डिवाइस का नाम है कारकैट। कारकैट का ये 4th एडिशन है, रेड कलर का दिखता है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन और ब्लू कलर के लाइट के साथ ब्लिंक कर रहा है, जिसका मतलब है ये अभी कम्प्लीटली ऑपरेशनल मोड पे है, आपकी गाड़ी को अभी कंटिन्यूसली वो रैट से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कुछ ओरिजिनल ब्रांडेड क्रोम स्टिकर्स मैंने अपने नेक्सॉन के लुक को एनहांस करने के लिए लगाए हैं। इन पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एक मैंने ये गाड़ी का चाबी का कवर भी लिया हुआ है, ये रबर सिलिकॉन का बना हुआ है तो काफ़ी टाइटली फिक्स्ड है, आपको ओरिजिनल बैटरी जैसा ही लग और बैटरी बोल रहा हूँ ओरिजिनल रिमोट जैसा ही लगेगा, रिमोट की तरह ही रहेगा, कोई आपको ऐसा फिट एंड फिनिश में कोई कंप्लेन नहीं है। ये एक मैंने लिया कि अगर चाबी कहीं 2-3 बार मेरी हाथ से गिर गई थी तो इट प्रोटेक्ट्स, अगर आपके यहाँ पे रहता है तो सिलिकॉन कवर रहता है तो इट प्रोटेक्ट्स योर की फ्रॉम एनी
डैमेजेस। अगर आप गाड़ी में कोई एक्सेसरीज लगा रहे हैं तो अच्छी जगह से लगाइए एंड अच्छा चीज़ लगाइए। ये मत सोचिए कि यहाँ से सस्ता मिल रहा है, यहाँ से कम पैसे में मेरा काम हो जा रहा है। नहीं, सस्ते के चक्कर में बहुत वाट लगती है। आप 100-200 रुपये ज़्यादा दीजिए लेकिन अच्छा चीज़ लीजिए। कमिंग टू द क्रोम पार्ट्स, आप हमेशा ट्राई कीजिए टाटा के जेन्युइन क्रोम पार्ट्स लेने के लिए, टाटा के जेन्युइन एक्सेसरीज लेने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो क्रोम का जो क्वालिटी रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कंपैरेटिवली बाहर का जो थर्ड पार्टी का जो चाइना माल आता है, मैंने देखा है, बहुत ही फीका रहता है एंड कुछ दिन के बाद उसमें से वो क्रोम पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद टाटा एक्सेस। वाइज़र जो लगा रहे हैं, वाइज़र भी आप टाटा का ही लगाइए क्योंकि उसका क्वालिटी फिनिश बहुत अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अभी तक मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बेटर टू गो विद दैट। बाहर से लगाएंगे तो वो क्रैक वैक होने का चांसेस रहता है। आई हैव परचेस्ड एक जंप स्टार्टर भी लिया है क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो जंप स्टार्टर इज ए मस्ट। तो आप अगर ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो एक जंप स्टार्टर भी ले लीजिए क्योंकि इसको जंप स्टार्ट करना वेरी डिफ़िकल्ट रहता है ऑटोमेटिक के लिए। तो अगर आपके पास एक पोर्टेबल जंप स्टार्टर है तो वो बढ़िया रहेगा। अभी तक तो मुझे यूज़ करना नहीं पड़ा है लेकिन आई विल पोस्ट ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट प्रोडक्ट, तो उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा। तो इट्स बेटर टू गो विथ ए जंप स्टार्टर। उसके बाद मेरे पास एक टायर प्रेशर के लिए एक पंप भी है, तो वो डिजिटल टायर प्रेशर पंप है, तो इट्स पोर्टेबल, इट्स ऑल्सो गुड। कहीं इमरजेंसी में, कहीं रास्ते में पंचर हो गया तो आप टायर फिल कर लीजिए, प्रेशर फिल कर लीजिए एंड आप 50-100 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं उसके साथ। आजकल तो टाटा के गाड़ी के साथ वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री में मिलता है, एक टायर प्रेशर का किट मिलता है और पंचर किट मिलता है। तो फॉर टाटा कस्टमर नथिंग टू वरी, नो नीड टू बाई सेपरेट वन। मैंने पहले से ख़रीदा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को भी मिला है वो किट। दूसरा ये जो है TPMS सिस्टम, ये जो TPMS सिस्टम है ये आपको जो भी रीडिंग्स आपको सुबह सुबह दिखाता है आपको उसके हिसाब से जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो कोल्ड स्टार्ट का रीडिंग्स दिखाता है एंड जैसे जैसे गाड़ी चलती है ऑन हाईवे इट विल गिव यू द रियल रीडिंग्स। तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चेक दैट आउट। वो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा चीज़ है। रास्ते में आपको कहीं पे कुछ लोग फ्रॉड करने के चक्कर में रहते हैं, कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर आपका टायर फट गया है, पंचर हो गया है, आप तो आप कहीं गाड़ी रोक के जब उतरते हो तो दे कैन कम एंड देन हाईजैक यूर कार, तो उस चीज़ से ये बचाता है। दूसरा, आप कहीं लॉन्ग जर्नीज पे निकल रहे हो, टायर में ज़्यादा प्रेशर डाल दिए हो, फटने का चांसेस है टेम्परेचर की वजह से, तो वो सब चीज़ वो बता देता है, अलर्ट कर देता है, तो उस केस में ये बेनिफिशियल है। बट हाँ, अगर आप गाड़ी घर से निकाल रहे हो एंड आप चाहते हो कि मैं गाड़ी का एक्चुअल टायर प्रेशर कितना है वो चेक करूँ, अगर कम है तो भरवा लूँगा, वैसा सोच के अगर ये लेते हो तो ये फ़ायदे का नहीं है क्योंकि ये कोल्ड स्टार्ट पे कुछ काम का नहीं है। जब गाड़ी बंद रहती है, जब गाड़ी आइडल खड़ी रहती है तब इसका रीडिंग कुछ काम का नहीं है, तो ये गलत रीडिंग दिखाता है क्योंकि रात भर गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी का प्रेशर कम हो गया रहता है और उस हिसाब से वो रॉन्ग रीडिंग्स 29-28 ऐसा करके दिखाएगा। गलती से आपने उस रीडिंग के बेसिस पे एक्स्ट्रा प्रेशर अगर डाल दिया तो आगे जाके जब गाड़ी का टेम्परेचर हाई होता है, जब गाड़ी का प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, तो वो इट कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए उस इनिशियल स्टार्ट के लिए ये रीडिंग्स कंसिडर मत कीजिएगा। हाँ, गाड़ी जब ऑन द वे है, चल रही है गाड़ी, रियल टाइम में आपको चाहिए, देन यू कैन मॉनिटर द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर कितना है, कितना टायर में कितना टेम्परेचर चल रहा है, वो सब आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, बेनिफिशियल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, देन प्लीज क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरीज और एनी काइंड ऑफ फीडबैक, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।